ऑक्सीजन को जाके सब्सक्राइब करें, उसका लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। में उसका आपको बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे देखने को ब्लॉग्स मिलेंगे। प्यारे एक्सप्रेशंस दिए थे आंखों से। डिटेल नंबर 8, टाइगर सीन में आपको देखने को मिलता है कि जूनियर एनटीआर ने ज्यादा कपड़े नहीं पहने हैं एंड इट सीम्स लाइक कि उन्हें किसी ने जानबूझकर जंगल में छोड़ दिया था। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और हेलो। आई होप आप लोग ठीक ठाक हैं। हम बिल्कुल मजे में हैं और हमने जैसे कि आपसे कहा था कि ट्रिपल आर तो पोस्टपोन हो गई है, बट हम उससे रिलेटेड वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे। तो आप ही लोगों की सजेशन थी कि 10 स्मॉल डिटेल्स यू मिस्ड इन ट्रिपल आर ट्रेलर। वैसे तो हम लोगों ने बहुत ही गौर से और ध्यान से ट्रेलर को देखा था और डिस्कस भी किया था। अगर आपने रिएक्शन नहीं देखा तो यहाँ लिंक कहीं आ जाएगा, उसको देख लीजिएगा। तो इस चैनल जो सोशल चैनल है, इस इन्होंने कुछ ऐसी डिटेल्स हमको बताई हैं जो कह रहे हैं कि आपने मिस कर दी होंगी। तो आइए इसको देख लेते हैं और देखने के बाद एज ऑलवेज इस पर करेंगे डिस्कशन। स्टे विद अस। वेलकम टू सोशल। RRR एक ऐसी फिल्म है जिसका फैंस काफ़ी टाइम से इंतजार कर रहे थे। इसका बजट अराउंड 400 करोड़ है, विच मेक्स इट इंडियन सिनेमाज मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्म आई गेस। जब इसका कल ट्रेलर रिलीज हुआ तो आई रियली लाइक डेट। डेफिनेटली इट्स अ मासी फिल्म एंड डायरेक्टर राजामौली हैज़ गिवन इंडियन सिनेमा वन ऑफ द बिगेस्ट फिल्म लाइक बाहुबली। सो उनका विजन ऑफ डायरेक्शन मैं क्वेश्चन नहीं कर सकता जब तक मैं ये फिल्म देख ना लूँ। वहीं अगर मैं ट्रेलर की बात करूँ तो मैंने इसमें काफ़ी सारी डिटेल्स नोटिस की जो हिस्टोरिकल रेफरेंसेस से जुड़ी हैं और सिनेमैटिक रेफरेंसेस से जुड़ी हैं। सो आई एम गोना बी डिस्कसिंग ऑल दोज डिटेल्स इन दिस वीडियो। डिटेल नंबर 1, पहले सीन में हमें देखने को मिलता है कि ब्रिटिशर्स गोंडोर ट्राइब की एक बच्ची को ले जाते हैं। इस सीन में ये ब्रिटिश कैरेक्टर 2 सिक्के फेंकता है जो दिखाता है कि उसके लिए गरीब बच्चे की वैल्यू सिर्फ इतनी है। इन कॉइन्स को जब मैंने नोटिस किया तो कुछ ज्यादा क्लियर तो नहीं था, बट मुझे लगता है कि ये कॉइन्स 1/4 आना कॉइन्स हैं 1920s के ब्रिटिश राज एरा के। डिटेल नंबर 2, आपको इस सीन में फ्लैग को नोटिस करना चाहिए, तो वहाँ पे वंदे मातरम लिखा है। इसके अलावा आप नोटिस करना कि ये फ्लैग आपको भीम के हाथ में दिखता है, पर इसे पानी से भीम नहीं बल्कि राम बचाता है। ये देखा था। ये डिटेल 1 सेकंड से भी कम में दिखाई जाती है, बट अगर आप ध्यान से देखो तो ये झंडा राम ही गिरने से बचाता है। इसके अलावा दोनों ये कैरेक्टर जिस तरह से झूलते हुए आके अपना हाथ पकड़ते हैं, मैं ऐसा हैंडशेक तो अपने हर बेस्ट फ्रेंड के साथ करना चाहूंगा। डिटेल नंबर 3, इसी सीन में एक ऑयल टैंकर ट्रेन ब्रिज से गिर जाती है और वहाँ पे एक एक्शन सीन देखने को मिलता है। नोटिस करने वाली डिटेल यहाँ ये है कि इस पानी के बीच यहाँ पे एक बच्चा फंस जाता है और दोनों कैरेक्टर इसी बच्चे को बचाने आते हैं। बाद में एक सीन आता है जहाँ आप इस बच्चे को भीम के साथ देखते हैं, सो इवेंचुअली दिस मीन्स कि वो उस बच्चे को बचा लेते हैं। बच्चे वाला नोटिस नहीं किया। ट्रेलर में एक जगह आपको भीम एक बाइक राइड करते हुए दिखते हैं। जो डिटेल आपको नोटिस करनी चाहिए वो ये है कि यहाँ पे एक वेलोसिटी बाइक दिखाई गई है जो 1920s में मैन्युफैक्चर होना शुरू हुई थी। वेलोसिटी बाइक्स का ब्रांड एक इंटरनेशनल ब्रांड हुआ करता था और ये बहुत ही फास्ट बाइक्स हुआ करती थी जिनको रेसिंग में भी यूज किया जाता था। ये बाइक्स आज के टाइम पे मिलना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है और ये एग्जैक्ट मॉडल मिलना तो बहुत ही रेयर है। सो इट इज पॉसिबल कि मेकर्स ने इसके लिए बहुत बड़ी अमाउंट दी होगी, बट अगेन फिल्म का बजट 400 करोड़ है तो इजीली उन्होंने ये बाइक तो खरीद ही ली होगी। डिटेल नंबर 5, राम इस सीन में भगवान राम के अवतार में नजर आते हैं, विच इज अ सिंबोलिज्म गिवन टू लॉर्ड राम। इसके अलावा अगर आप ध्यान से देखो तो वो इस सीन में बहुत सारे तीर चलाते हैं और एक सीन में तो तीर के आगे उन्होंने ग्रेनेड लगाया हुआ है। वेल थोड़ा टू मच नहीं हो गया ग्रेनेड एंड तीर कमान? वेल बट देन इट्स राजामौली सिनेमा, सो ये मैंने नोटिस कर लिया तो उनकी एग्जीक्यूशन बहुत सीरियस रहती है। नंबर 6 डिटेल, फायर एंड वाटर सिंबोलिज्म। आपको नोटिस करना चाहिए कि राम के कैरेक्टर को एक फायर की तरह रिप्रेजेंट किया गया है। इफ यू नोटिस हिज सीन्स तो उनके आग के साथ काफी सीन्स हैं। वहीं भीम को वाटर के सिंबोलिज्म में दिखाया गया है। इन माय ओपिनियन राजामौली इज ट्राइंग टू शो अ कॉम्बिनेशन ऑफ फायर एंड वाटर। ये चीज आपको फिल्म के टाइटल्स पे भी देखने को मिलेगी जहाँ राम की फोटो के नीचे फायर बनी होती है और भीम की फोटो के नीचे वाटर। डिटेल नंबर 7, अब थोड़ी प्रेडिक्शंस की बात करते हैं। ट्रेलर में जब राम पहली बार आते हैं तो उसके पहले सीन से ही पता लग जाता है कि उससे इंडियंस डरते हैं। ही इज अ रूथलेस ऑफिसर और उसमें कोई सेंस ऑफ पेट्रियोटिज्म शायद नहीं बची है। बाद में मेरे ओपिनियन में उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है और आई थिंक ये वाला सीन बहुत ही इंपॉर्टेंट सीन होगा उनके कैरेक्टर के लिए। लुक एट द वे जिस तरह से उनकी आंखों में आंसू दिखाए गए हैं, दिस क्लियरली सजेस्ट कि उनका कैरेक्टर यहाँ पे कुछ रियलाइज करता है। बहुत प्यारे एक्सप्रेशंस दिए थे आंखों से।
डिटेल नंबर 8 टाइगर सीन में आपको देखने को मिलता है कि जूनियर एनटीआर ने ज्यादा कपड़े नहीं पहने हैं एंड इट सीम्स लाइक कि उन्हें किसी ने जानबूझकर जंगल में छोड़ दिया था. मैं यहाँ पे प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि उन्हें किसी ने जानबूझकर बांध दिया होगा और वो लोग चाहते होंगे कि टाइगर उन्हें आकर मारे. यहाँ पर उनका कैरेक्टर किसी ना किसी तरह से अपने आप को निकाल देता है बट ही हैज टू स्टिल फाइट द टाइगर. और जिस तरह से उन्हें ट्रेलर में टाइगर के सामने दहाड़ते हुए दिखाया गया है इट सजेस्ट कि ही इज फियरलेस और शायद उनके लिए ये पहला टाइगर इनकाउंटर भी नहीं है. अगर आप ध्यान से देखो तो उन्होंने एक लॉकेट पहना है. हाँ, ये मैंने बोला था हो सकता हूँ यहाँ पे, पर शायद उनके लॉकेट में एक टाइगर का दांत दिखाया गया है. अगर ये सही हुआ तो इट मींस कि वो पहले भी टाइगर्स का शिकार ये मैंने बोला था या फिर उसके ट्राइब में टाइगर्स का शिकार करना एक आम बात है, इसलिए वो टाइगर से शायद उतना नहीं डरता है जितना कोई आम इंसान डरता होगा. Gondo Bebuli Komoram Bheem. डिटेल नंबर 9. मुझे ये लगता है कि इस फिल्म में ब्रिटिशर्स को बहुत ही नेगेटिव वे में दिखाया जाएगा और ये बात तो डेफिनेटली पक्की है. सरदार उद्धम की तरह इस फिल्म में ब्रिटिशर्स को एक रैशनल नैरेटिव नहीं दिया होगा. पूरी फिल्म में आप देखना कि गारंटीड ऐसे सीन्स होंगे जो हाई ऑन इमोशंस होंगे जहां ब्रिटिशर्स इंडियंस को असॉल्ट करते हैं. इसके अलावा आई थिंक सारे ब्रिटिश कैरेक्टर्स नेगेटिव ही दिखाए गए होंगे एक्सेप्ट दिस लेडी. मुझे ऐसा लगता है कि इनका कैरेक्टर ही एक ऐसा कैरेक्टर होगा जो थोड़ा पॉजिटिव होगा. डिटेल नंबर 10. फिल्म में रे स्टीवनसन भी आपको एक इम्पॉर्टेंट रोल में नजर आएंगे. जो लोग नहीं जानते हैं रे स्टीवनसन वो एक्टर हैं जिन्होंने थॉर में वॉल्स्टैग का कैरेक्टर प्ले किया है. ऑल्सो अगर मैं आपको एक एक्स्ट्रा ट्रिविया दूं उनके बारे में तो ये वही एक्टर हैं जिन्होंने 2008 वाली पनिशर वॉर जोन में लीड रोल प्ले किया था. ऑलराइट, ये तो था मेरा ट्रेलर ब्रेकडाउन ट्रिपल आर के बारे में. आपको इस फिल्म का ट्रेलर कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं. अगर आपने भी कोई हिडन डिटेल्स नोटिस की हो तो वो भी ज़रूर आप कमेंट कर देना. तो चलिए दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो. आप हमें इंस्टाग्राम ट्विटर और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं. ओके जी, सो काफ़ी अच्छी वीडियो है और काफ़ी डिटेल में इन्होंने नोटिस किया है. कुछ चीज़ें तो ऐसी थी जो हमने नोटिस की थी बट कुछ वाकई में ऐसी थी जो नज़र से क्योंकि एक वो क्या कहते हैं ना एकदम से गुजरती हैं. वो जो फ्लैग वाला सीन आया था मुझे लगा था कि जो फ्लैग है वो एनटीआर के हाथ में है लेकिन नहीं वो रामचरण के हाथ में होते हैं. फिर एक और चीज़ हमने नोट नहीं की कि वो एक बच्चे को बचा रहे हैं उस पानी में. फ्लैग पहले दिखाई देता है भीम यानी एनटीआर के हाथ में, उसके बाद फिर वो होता है रामचरण के हाथ में और उसके फौरन बाद बीच में एक बच्चा होता है जिस बच्चे को दिखाते हैं कि वो बचा लिया भीम ने. तो ये एक चीज़ थी. और कॉइन्स को इन्होंने काफ़ी जूम करके देखा है, इंडिया के जो कॉइन्स उस टाइम के होते थे ना. फिर वो जिस बाइक पे जा रहे हैं वो इन्होंने बताया बहुत पुरानी बाइक है जो कि बहुत रेयर है, बहुत मुश्किल है मिलना. इस लेकिन फिल्म के लिए बहुत पैसे दिए होंगे इस बाइक के लिए. हाँ, तो वो उन्होंने वही बाइक मतलब यहाँ से आप देखें कि वो बना भी सकते थे उसको लेकिन उन्होंने वही बाइक मंगवाई जो उस टाइम पे चलती थी. वेलोसिटी था ना. हाँ, वेलोसिटी. उसके बाद फिर वो दिखाया शेर और एनटीआर की जो फाइट सीन हम सब ने देखा हुआ है. वो जो फिर उन्होंने उनका जो गले में एक नेकलेस है वो मैंने ट्रेलर के बाद ही बोल दिया था कि वो देखो शेर का ही दांत लगा हुआ है यहाँ पर. तो इन्होंने कुछ प्रेडिक्शंस भी किए हैं वो भी अच्छी इंटरेस्टिंग प्रेडिक्शंस थी कि रामचरण नेगेटिव शुरू में नजर आ रहे हैं. हाँ, लोग डरते हैं इंडिया दिखा रहे हैं कि मतलब इंडिया के लोग उनसे डरते हैं क्योंकि ब्रिटिशर्स के लिए होते हैं ना रामचरण काम कर रहे होते हैं. बाद में फिर वो दिखाते हैं कि रामचरण को एहसास होता है और वो अपने मुल्क के लिए फिर लड़ते हैं भीम के साथ मिलकर. और हमने ट्रेलर में एक सीन भी देखा था कि वो कहते हैं कि इसने गद्दारी की है गोरों के साथ भीम ने तो इसको ले जाओ, फिर उनको जेल में लेके जाया जाता है. फिर उन्होंने बताया कि जो ओलिविया है जो कि हॉलीवुड फिल्म्स में आ चुके हैं एंड में जो आते हैं जो गाड़ी में आके रामचरण को तीर मारते हैं पता नहीं क्या करते हैं तो गन. हाँ, तो और उसके अलावा एक और चीज बताई थी कि जिस तरह मैंने भी बोला था जैसे रामचरण आते हैं ना लॉर्ड राम के रूप में लोगों ने बताया कि नहीं वो उनका उस तरह से बनाया उस तरह से. और फिर उन्होंने एक ये चीज़ भी नोटिस की कि तीर के आगे ग्रेनेड लगाया हुआ, ये भी हम नोटिस नहीं कर पाए. तो वो कह रहे थे थोड़ा सा ये शायद ओवर हो गया लेकिन वो फिर कहते हैं एस एस राजा मौली की फिल्म है तो वो ज़रूर कुछ ना कुछ सोच समझ के उन्होंने किया होगा. तो काफ़ी सारी डिटेल्स हैं जो इन्होंने हमको बता दी हैं और कुछ हमें पता थी कुछ हमें नहीं पता थी तो इन्होंने हमको बता दी है. और बाकी ये है कि आप बताएं आपने कोई ऐसी चीज़ नोटिस की है जो हम या ये भाई भी नोटिस नहीं कर पाए, ज़रूर कॉमेंट में बताइएगा. एंड बाकी ये मूवी का बेसब्री से इंतज़ार है कब आती है. आई होप कि जल्दी रिलीज़ हो और रिएक्शन अच्छा लगा तो यू नो व्हाट टू डू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. हमारे ब्लॉग चैनल को जाकर लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो. इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो फॉर लेटेस्ट फोटोज एंड अपडेट्स के लिए. इसी तरह हम लोग नए नए डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन लेके आएंगे. तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा.